तो भाई जिन लोगों का भी बजट कम है और वो एक ही एयरपोर्ट में दो एयरपोर्ट के मजे लूटने चाहते हैं, तो फाइनली केडीएम वाले ने उनके लिए ये एयरबड्स निकाल दिया है, जिसमें एक ही डिबिया में आपको दो एयरबड्स देखने को मिल जाएंगे। और जिनके घर में भी एयरबड्स को लेकर झगड़ा होता है, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। आप एक ही एयरबड्स में दो लोग सुन सकते हैं। तो गाइस फाइनली ये वो मॉडल है केडीएम का, जिसने एक ही एयरपोर्ट में दो एयरबड्स निकाल दिए हैं। एक ही मोबाइल के साथ ये कनेक्ट भी हो जाता है, और अलग अलग कनेक्ट करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। तो फाइनली चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा है माल मटेरियल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस डिब्बा दिखने में कुछ ऐसा है, आपको ऐसा दिख जाएगा, उल्टा पकड़े या सीधा पकड़े दोनों एक ही जैसा दिखेगा, कहीं से आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा। सो गाइस डिब्बे में बड़े अक्षरों में हाईलाइट कर दिए कि भाई 30 घंटे इसकी बैटरी बैकअप है। इसका मॉडल नंबर है W5 Due। इसके कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं कि क्या क्या इसमें दे रखा है, तो मैं बता देता हूँ, साथ ही साथ स्क्रीन पे भी आपको दिख ही जाएगा। तो भाई सबसे पहले इसका मॉडल नंबर लिखा है W5 और 5.2 का इसका ब्लूटूथ वर्जन है, वायरलेस वर्जन। और साथ ही साथ इसकी बैटरी कैपेसिटी हो 320 mAh की है, और इसका जो ट्रांजेक्शन मीटर है 10 मीटर का, हालांकि अलग अलग मोबाइल में अलग अलग ये मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बैटरी बैकअप इसकी जो टोटल है वो 30 घंटे की दे रखी है। म्यूजिक टाइम दोस्तों इसका 5 घंटे का है, टॉकिंग टाइम इसका 6 घंटे का है, और साथ ही साथ ये ओवरऑल स्टैंड बाई टाइम 180 घंटे तक चल जाएगा। और इसमें जो चार्जिंग का यूनिट दिया गया है वो टाइप सी का देखने को आपको मिल जाएगा, और चार्जिंग टाइम है वो 1 घंटे की दे रखी है। चलिए बहुत सारी होगी बातचीत है, फाइनली इसको खोलते हैं, हमें एयरबड्स में इंटरेस्ट है। तो भाई डिब्बा खोलने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, और डिब्बे के अंदर आपको एक एयरबड्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके डिब्बे में एक और डिब्बा है, तो इसके अंदर आपको मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा बर्ड्स के जो ग्रिप्स आते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, दो टाइप के हैं, बड़े और छोटे। और एक प्रेम पत्रिका मिल जाएगी जिसमें इसके कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे पेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या माल इसके अंदर। तो भाई डिब्बा फाइनली खाली हो चुका है, क्या इसका केबल नहीं है क्या इसके अंदर? ओके, तो भाई केबल फाइनली मिल गया है, केबल ये रहा। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन ये आपको 1 फुट के आसपास ही देखने को मिल जाएगी, इससे लंबी तो होगी नहीं ये रही। हाँ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए केबल की, तो भाई बहुत ही मजबूत दिया है। सो गाइस फाइनली हमारे बर्ड्स की तरफ आ जाते हैं कि भाई बर्ड्स कैसा दिखता है, तो रैपर हटा देते हैं। सो गाइस बर्ड्स आपको दिखने में कुछ ऐसा दिख जाएगा, और पीछे की साइड अगर हम करें तो पीछे की साइड इसका चार्जिंग का स्लॉट दिया गया है, ज्यादातर नीचे दिया होता है बट ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से खुलता है, तो भाई सेंटर में दे दिया है, ऐसा दिखेगा आपको खुलने के बाद। ये देखिए दोनों साइड से खुल जाता है ये, और इधर से अगर आप पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा, हालांकि ऐसे भी रख के हम इसको देख सकते हैं। ओके, बंद भी हो जाता है तुरंत। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी मजबूत है, एकदम स्मूथ है, इसकी जो बॉडी है कहीं से भी आपको चोट लगने की संभावना नहीं है इसमें। इसके केस की बात की जाए तो अगर आप खोलते हैं इसको तो ये अपने आप बंद नहीं होगी, आपको खुद से ही बंद करना होगा तभी ये बंद होगी। और ग्रिपिंग भी अच्छी खासी है, अगर आप ज़्यादा जोर से इसको हिलाते हैं तभी ये बंद होती है। तो आपको दो एयरबड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक एयरबड्स यहाँ को दिया हुआ है इस साइड, और इसमें आप ग्रिप देखने को नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, जो एप्पल टाइप आता है उसके टाइप भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एयरबड्स की जो साइज की बात की जाए तो साइज काफ़ी ज़्यादा छोटी है, कान में लगाने के बाद ये आपको दिखेगा नहीं, चलिए एक बार लगा के भी देख लेते हैं। कान से ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, अनकम्फर्ट सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती किसी ने ठूस दिया हो। और ये ठीक है, लेकिन इसका दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं कैसा है। तो भाई चार्जिंग भी आपको दोनों एक साथ ही देखने को मिल जाएगा, ये सबसे भद्दा मजाक है, मैंने ऐसी तो उम्मीद नहीं की थी कि ये ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, बट चलिए इसको भी लगा के देख लेते हैं कैसा है। ऐसे पकड़ना है इसको, ये जो भाग आएगा ये आप ऊपर की साइड लगाना होगा, और ये जो ग्रिप है ये नीचे की साइड जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर इसकी फिटिंग की बात की जाए तो फिटिंग अलग मेरे कान छूटे तो हो सकता है मुझे अनकम्फर्ट फील होता हो, बट फिटिंग आपको आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसे पहन के बाहर कहीं जाना चाहते हैं, आप बाइक या एक्टिव आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भाई मत जाइएगा, पहन के उड़ जाएगा। साथ ही साथ इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको कुछ पैटर्न्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, इसके यहाँ पे पैटर्न्स होंगे। और ब्रांडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको केडीएम का लोगो देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो टच की बात की जाए तो टच आपको इसके ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। भाई दोनों तो अच्छे हैं, चलिए अब इसको एक बार पैर करके देख लेते हैं कि भाई ये पैर करने के बाद एक साथ दोनों पैर होता है या अलग अलग पैर होता है। सिंपली चलिए अपने मोबाइल को हम एक बार ऑन कर लेते हैं। सो गाइस ब्लूटूथ हमने पैर कर लिया है, और चलिए सिंपली कोई म्यूजिक सुनते हैं पहले। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए,
रहा है बारिश की जाए। सो गाइस आपको इसमें डुअल पेयरिंग का भी सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग पेयर करना चाहते हैं तो अलग अलग भी पेयर कर सकते हैं, और दोनों को एक साथ पेयर करना चाहते हैं तो भाई एक साथ भी ये पेयर हो जाएगा। साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, उतना कुछ जबरदस्त तो है नहीं। हाँ, बट आप अगर मूवी देखते हैं या और कोई चीज़ ऐसा ही करते हैं मोबाइल के साथ, रील्स वगैरह ये सब देखते हैं, तो आपको ठीक ठाक साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देगी। बट ये खिलौने की बात की जाए तो ये मार्केट में आपको 1300 से 1500 के बीच मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन की बात की जाए तो ऑनलाइन आपको 1400-1500 में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल साउंड क्वालिटी के लिए अगर आप स्पेशल लेना चाहते हैं तो भाई मत लीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा। बास क्वालिटी में देखें तो भाई बास क्वालिटी इतना ठीक ठाक नहीं है, और साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो साउंड क्वालिटी में क्लियरिटी तो है बट वो मज़ा नहीं है। ख़राब नहीं है, बट अगर आप म्यूज़िक के दीवाने हैं, बास क्वालिटी के दीवाने हैं, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो फाइनली अगर ये ईयरबड्स आप लेना चाहते हो घर में यूज़ के लिए नॉर्मली तो भाई ले सकते हो, और बास क्वालिटी के लेना चाहते हो तो नहीं। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे तो फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।